श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है दो बातें, एक को कहते विधि, दूसरे को कहते निषेध। उसी प्रकार से अपने जीवन में दो बातों को हमको ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जो नहीं है उसका त्याग करें और जो है उसका असर्शन करें। दो बातें, तो पहले हमने ये त्याग कर दिया किस चीज का, जो हमारी धारणा है अध्यात्म के बारे में कि चिंता करते रहो, तो वहां कहते हैं वातुल किम तव नास्ति नियंता, चिंता करना छोड़ो। फिर दूसरी बात, बड़े सन्यासी बन गए, खूब बहुत बाहर से सब मेकअप कर लिया, तो पश्यन अपि न च पश्यति मूढ़ः, जिस काम के लिए आए वही भूल गए। फिर आते हैं बुढ़ाऊ, सोचा है जवानी में क्या अध्यात्म में ध्यान देना है, ये तो बुढ़ापे की बात होती है। बुढ़ापे में कब, जब आदमी बैठ नहीं सकता तब ध्यान के लिए बैठो, जब सुन नहीं सकता तब सत्संग में जाओ, जब कुछ याद नहीं रखता तब याद करो। माने हमारी ऐसी धारणा है, जब व्यक्ति सभी कामों के लिए नालायक हो जाता है अध्यात्म के लिए लायक हो जाता है। महाराज हम ऐसे ही है। अच्छा महाराज, फिर तपस्या करते हैं, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्र चुपक समर्पित जानो, बड़े शरीर को कष्ट देने। फिर आगे वाले कहते हैं नहीं जी, हम तो ये फालतू चीजें नहीं करते, हम तो गंगा जी में जाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। फिर ज्ञान विहीन सर्व मते न, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर किससे कुछ होता है, तो यहाँ तक ये सबका निराकरण कर दिया, निषेध कर दिया, अब यहाँ से असर्शन शुरू करते। पहली बार कस्य सुखम न करोति विरागः, जिस व्यक्ति के हृदय में वैराग्य है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। दुख का कारण यही आसक्ति है। एक बार की बात है, केरला में हम एक गुजराती के घर में थे और सुबह 4 बजे वो अम्मा हमको चाय बना के पिलाती थी, और उसका लड़का उस समय 12वीं क्लास में था, तो उसको भी वो सुबह या रात को जब चाहे चाय कॉफी देते थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी मैं आपको भी सुबह उठ के चाय पिला देती हूँ और मैं अपने लड़के को भी देती हूँ, तो ये दो में क्या फर्क है और क्या समानता है। हमने कहा दोनों में समानता ये है कि तुम दोनों से प्यार करती हो, फर्क ये है कि मेरे से तुम्हारा शुद्ध प्यार है और बच्चे के प्रति तुम्हारा प्यार आसक्ति से युक्त है। देखो महाराज, जहां प्रेम में आसक्ति होती है वहां दुख का कारण बनता है। देखो जितने भी अच्छे अच्छे माँ बाप है, एक पर्टिकुलर उम्र जाने के बाद फिर लगता है कि देखो आजकल के बच्चे कैसे हो गए, जब हम ऐसे थे तब ऐसा नहीं था। ये जो दुख का कारण यही है आसक्ति। तो कस्य विराग करोति, कस्य सुखम न करोति विराग, तो अपने हृदय में यह वैराग्य लाना है। वैराग्य का तात्पर्य क्या है, ध्यान से सुनना, आपको सब छोड़ के जंगल नहीं जाना, भीड़ है वहां, वहां वायरस भी है, वहां भी मत जाओ। फिर क्या करना क्या है, यही सिंपल बात करनी है, इस जगत में ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। जब दो जवान लड़के लड़की बात कर रहे हैं, करने तो अपने को क्या करना पड़ता है, हम बूढ़े लोग जाके हाँ क्या क्या किसके बारे में चल रहा है, कोई जरूर है। कितने घरों में हमने यही समस्या देखी है। इसीलिए वैराग्य का तात्पर्य है लर्न टू रिमेन अनइन्वॉल्व्ड, जब जरूरत नहीं है निकल जाओ। देखो महाराज, इसीलिए यह वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं कि बाबा जी बनना है, हमारा मार्केट मत लेना, बाबा जी मत बनो,
ज्यादा डोंट गेट इन्वॉल्व विथ एनीथिंग और एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। दूसरी बात, जब हम किसी वस्तु को सत्य मानते हैं तभी उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे हम इंद्रधनुष को सत्य नहीं मानते तो इंद्रधनुष के प्रति हमारी इंट्रैक्शन कैसी होती है? वी एंजॉय। दूसरी बात, वी डोंट डिजायर। ये दुनिया में रहते समय ये दो सिद्धांत पकड़ के रखना, दुनिया में मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, लेकिन कहीं फंसो मत। यही है वैराग्य का लक्षण, मुंह फुला के बैठना नहीं। तीसरी बात, नो कंप्लेन अबाउट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जीरो कंप्लेंट लेवल। हम अमेरिका में थे, किसी के घर एनआरआई के पेरेंट्स आए हुए थे और एनआरआई के पेरेंट ने मुझे देख करके शुरू कर दिया, बोला अपने लड़के को बोलना चाहते, लेकिन कंधा हमारा, बंदूक उस पर चल रही है, और कह दिया, स्वामी जी हमने तो अपने पिताजी की सेवा आखिरी दम तक करी। आजकल के लड़के देखो ना, पूरे समाज में क्या हो रहा है, वो अपने लड़के को बोल रहे थे, लड़का भी उन्हीं का लड़का, कुछ नए लिपे देला। फिर उसने कहा कि बाबूजी आपके पिताजी माने हमारे दादाजी का स्वर्गवास कब हो गया था? बेटा क्या बताया आपको, वो बड़े जल्दी चले गए, वो कोई 50-20 साल की नहीं उम्र हुई चले गए थे। बोले आपकी उम्र कितनी है? 50 साल तक की उम्र हो तो कर लिया, अब आप अभी 80 नॉट आउट हो गए, 90 हो रहे, जाने का सवाल ही नहीं लेते, कब तक सेवा करें? ये जो तुलना है ना, ये तुलना खत्म कर डालो। Don't compare anything with anybody in life. एकदम आपको वैराग्य प्राप्त हो गया तो कस्य सुखम न करोति विरागः। अब इसके बाद आने के बाद अब अपने जीवन का सिद्धांत क्या है? एक ही सिद्धांत है, मौज में रहो। शब्द का प्रयोग देखो, मौज में रहो, मौज करो नहीं। हम मौज करते हैं, करो नहीं, रहो। यहां बताते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रवते चित्तं नन्दति 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 एव भज गोविंदम भज गोविंदम। यही जीवन का मूल तत्व है, बी हैप्पी। बाकी सब ठीक है अपनी जगह। और इसीलिए कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा, चाहे आप अपनी साधना कर रहे हो या एंजॉय कर रहे हो, बोथ द प्लेसेस, एक ही सिद्धांत, एंजॉय। आप साधना कर रहे हो, पूजा पोथी घंटी बजा रहे हो, एंजॉय दैट। देखो नहीं तो पता नहीं कितने भगवान इकट्ठे करके रखे, क्या इतने भगवान की जरूरत होती है? रोज पूजा करेंगे और झगड़ा करेंगे भगवान से। और एक घर में मैंने देखा बहुत सारे भगवान थे, वो बच्चे ने मुझे, स्वामी जी इतने भगवानों की जरूरत है क्या? मैंने उसकी तरफ देखा, बोले हाँ जरूरत है। बोले हर एक को वो चंदन लगाते लगाते परेशान हो जाता हूँ, कोई शॉर्टकट बताइए। हाँ बिल्कुल, पांचों की पांचों उंगलियां चंदन में डुबो लो और भगवान को, भगवान कैच, जिसको मिला उसको मिला, ये उनका प्रारब्ध है तुम्हारा नहीं। इतना खुश हो गया वो लड़का। देखो महाराज, आप जो करते हो, कल भी बताया था, जो आप करते हो उस करने में आनंद को प्रकट होने दो, बस। नहीं तो चले गए मूवी देखने के लिए, पता नहीं मैं मूवी देख रहा हूं, ये तो मेरा भागवत पढ़ने का समय है, अब क्या होगा? भगवान भी देख रहा है तुम्हारे साथ, फिर ठीक है। लर्न टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। इस जगत में हम केवल आनंद के समुद्र में डूबने के लिए आए, और दूसरा कोई कारण नहीं। योग रतोवा भोग रतोवा, खाना है तो पूरे दिल से खाओ, न
नहीं तो नहीं 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 और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, दूसरे के थाली पर हाथ करेंगे, और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, अपनी थाली खुली है। तो भोगरतो वा योगरतो वा फिर संगरतो वा संग विहीन। देखो एक सज्जन गए दूसरे के यहाँ सुबह सुबह उठ के, अरे गुप्ता जी क्या चल रहा यार, मैं बिजी हूं, तू कैसे आया सुबह सुबह? नहीं यार मैं बहुत बोर हो रहा था। क्या हो गया बोर होने के लिए? नहीं बहुत अकेला था तो बोर हो रहा था। अब कल्पना करो जो आदमी अकेला होकर के बोर होता है वो कितना सॉलिड बोर होगा। ये वैसे ही है, एक आदमी डॉक्टर के पास गया और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई दवाई दीजिए, क्या हो गया तुमको? मैं इतने जोर से खर्राटे मारता हूँ नींद में कि मेरे ही खर्राटों से मेरी नींद टूट जाती है, मैं क्या करूं? बोले दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। व्यक्ति जब अपने आप से परेशान होता है तब जाकर के बाहर ढूंढता है। इसके लिए क्या करे, जीवन में उपासना होना आवश्यक है। उपासना किस लिए के? भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। आपका समय उसमें लगा रहेगा। देखो बुढ़ापे में मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी समय के कमी से नहीं होता, बहुत समय है इसलिए परेशान होता है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं? उपासना में लगे रहो। देखो रोज भगवत गीता का पारायण करो 2 घंटे बुक, फिर घूमने चले जाओ। कहां से? यहां से दुबई से निकले अबूधाबी तक घूम के वापस आ जाओ। देखो टाइम का चक्कर ही नहीं रहेगा क्या करूं क्या करूं। इसीलिए कहते हैं यहां कि संगरतो वा संग विहीन। जो व्यक्ति अपने साथ रह करके प्रसन्न रह सकता है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति अपने स्वरूप के पास पहुंच चुका है। हम अकेले में बोर होते हैं। संगरतो वा संग विहीन। फिर यस्य ब्रह्मण रमते चित्तम, जिसका मन परमात्मा में रमण कर रहा है। देखो भगवद गीता के 3rd अध्याय में भगवान कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो व्यक्ति अपने स्वरूप पे निष्ठावान है, आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः, 3 स्थितियां है, रति तुष्टि और संतुष्टि। माने हमको जगत में किसी से भी होना न होना समान है, तब व्यक्ति अपने स्वरूप में रमण कर रहा है। यस्य ब्रह्म निरमते चित्तम। और इसीलिए ये बहुत बड़ी साधना है कि हम कभी भी जितना हो सके 2 बातें करें। एक बात, जब अपने साथ में अकेले में बैठे हैं ना तो अपने साथ बोलने का धंधा बंद कर दो। Stop talking to yourself. और दूसरी बात, वही पुरानी बात है, 25 साल पहले 20 साल पहले, who cares? ये बहुत बड़ी साधना है। आप चाहे राम नाम का जप करो ना करो, चाहे मंदिर में जाओ ना जाओ, चाहे नहाओ ना नहाओ, ये महत्व की साधना है। अपने भूतकाल का भूत उतार दो। देखो इसका कारण क्या, इतना क्यों हम जोर दे रहे हैं? एक बार वाराणसी में एक बड़े वयस्क गृहस्त थे, बहुत विद्वान, जो गीता प्रेस का मैगजीन निकलता है कल्याण, उसके संपादक, वो हमेशा हमारे सत्संग में आते हैं, बहुत विद्वान है। उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी आप इस पर बहुत जोर दे रहे हैं कि हम लोग बूढ़े लोग बचपन की बातें ना करें बच्चों के सामने, तो हम नहीं बताएंगे उनको कैसे पता चलेगा क्या था बचपन हमारा। हमने कहा बाबूजी पहले ये सोचो, कोई जानना चाहता है क्या? नोबडी इंटरेस्टेड। हम ही अपना ठोके जा रहे उनके ऊपर में। और दूसरी महत्व की बात, बचपन किसका था, आपका था कि शरीर का था? तो जब आप अपने बचपन की या जवानी की बात करते हो, उससे में हो क्या रहा है? आपका देहात्म भाव इंटैक्ट है,
जब तक के देहात्म भाव इंटैक्ट रहेगा, आपने एक छटाक भी अध्यात्म नहीं किया। हम भी कड़े शब्द में कह रहे हैं, यह तो व्यक्ति उसी में लगा रहता है। और ये देखो देहात्म भाव की बात कैसी होती है, एक तो ये सत्यानाश कर देता अपना, दूसरा सत्यानाश हमारे पुण्य कर्मों के कारण हमको सत्संग मिला। देखो महाराज, ये 100% गलत है। कर्म का फल केवल दो है, एक है पुण्य का कर्म फल है सुख, और पाप का कर्म फल है दुख। सत्संग या साधु संत हमारे जीवन में आते हैं तो ये कर्म फल नहीं है, यह ईश्वर का अनुग्रह है। आप देखेंगे जितने भी ये महात्मा लोग होते हैं, कर्मकांडी, योगी और सिद्ध महात्मा, ये सभी के सभी इसी जो दुनिया है चतुर्दश भुवन की, 14 दुनिया की, उसी में लगे रहते हैं। और आप देखेंगे, आप किसी भी महात्मा के पास चले जाओ, यही कहानी होगी, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। देखो पिछले जन्म में ये था, ये जन्म में ये, अगले जन्म में ये, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। तो दो हमको दो रस्सियों ने बांध के रखा है, एक रस्सी देहात्म भाव की, दूसरी रस्सी जीवात्म भाव की। और फिर क्या कहेंगे कि हमने अच्छा काम किया तो हम स्वर्ग में जाएंगे। भगवान की भगवत गीता पढ़ो आप, कामात्मानः स्वर्ग परा कर्म बहु क्रिया प्रधान, कितना करते रहो फिर स्वर्ग में जाएंगे। वहां जाके क्या करेंगे, मेडिटेशन, भोग करेंगे। देखो बंबई के लोग आते हैं दुबई में, क्या वैराग्य के लिए आते हैं, शॉपिंग के लिए आते हो? इसी प्रकार से जब तक के हमारे दिमाग में ये दो बातें बनी है, अभी तक हमने सत्संग में आए कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो अध्यात्म का तात्पर्य अपने आप में वापस आना है। एक बार हम कहीं, पहले पहली बात है, बहुत पुरानी, हम इसीलिए बताते थे हमने आप सबसे सीखा है, आप सभी हमारे गुरु। पहली बार हमको बताया गया कि तुम जाकर के बच्चों का संग सत्संग कंडक्ट करो, ठीक है हम गए, मालूम तो कुछ था नहीं, पढ़े पढ़ाए तैयारी करके गए। और जाने के पश्चात हम बच्चों को कहा, चलो नाउ टुडे आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ ध्रुव। और मैंने शुरू की, स्वामी जी हमको मालूम है ये कहानी, अब क्या कर सकते हो, ठीक है मैं आपको प्रहलाद की कहानी बताता हूँ। शुरू कर दी, दूसरा बच्चा, स्वामी जी हमको इसमें विश्वास नहीं है। क्यों, हमारे पापा ऐसे नहीं है हिरण्यकश्यपु के जैसे, ही सो स्वीट, दिस इज नॉट अप्लीकेबल टू अस। अब मैं दो कहानियां बना के गया था, तो कुछ मालूम ही नहीं। तो मैंने क्या, फिर मैं क्या बताऊं, बोले आप कुछ अपना बताओ ना। उस दिन मुझे ये उपदेश मिला गुरु मुख से, देखो आज के तारीख में जो हमारे रोज के रोज अनुभव है उसमें हमको परमात्मा दिखना चाहिए। ये तो ध्रुव एक टांग पर खड़ा रहा, हाथ ऊपर किए, प्राणायाम किया, हम दो टांग पर नहीं खड़ा रह सकते। देखो महाराज, अध्यात्म रोज के जीवन में क्षण क्षण में जब हम लगाएंगे तब जा करके हम उस पर काम कर रहे हैं। ये तो गणेश महाराज ने वो भैंस के मुख से पुरुष सूक्त बनाया था, आप अपने बच्चे के मुख से नहीं बुलवा सकते हो, भैंस की कहां बात कर रहे हो। इसीलिए ये पौराणिक कहानियां जो है ये हमको इस प्रकार का उपदेश नहीं कर सकती, अनलेस वी हैव गॉट कैपेसिटी टू नो द मॉरल ऑफ द स्टोरी। पौराणिक कहानियां जितनी भी है उसमें हमको तात्पर्य निर्णय करता आना चाहिए। तात्पर्य निर्णय नहीं करोगे तो कहानी में ही फंस जाओगे। देखो उदाहरण दे, तात्पर्य निर्णय नहीं करने का उदाहरण क्या, एक बार हमने कहीं कहानी बताई और कहानी ऐसी थी कि एक समुंदर की मछली
एक कुएं में गई। तो कुएं में एक मेंढक था। मेंढक ने पूछा, इंडियन होगा, कौन हो, कहाँ से हो, क्या नाम है तुम्हारा, कितने दिन के लिए आए हो, पूरी पूरी कुंडलिनी कर ली। तो उसके बाद वो मछली बोलती गई कि मैं समुद्र से आई हूँ। समुद्र की क्या होता है? बोले पानी का संग्रह होता है। कितना पानी होता है? अब बताओ मछली कैसे बताएगी उस कूप मंडूक को, उस मेंढक को जो अपने कुएं के बाहर निकला ही नहीं, कैसे बताएगी समुद्र कितना होता है? उसने बहुत होता है पानी। अब बहुत पानी कितना? मेंढक का इतना सा हाथ, इतना पानी? मछली कहते नहीं, ये दोनों हुआ, इतना पानी नहीं। फिर उसने पानी के पानी में जंप ले ली, लीप, इतना पानी नहीं। फिर मछली को, वो मेंढक को गुस्सा आया, दीवार से दीवार तक डायगोनली, इतना पानी होता है? बोले नहीं रे बाबा, कितना होता है? फिर बोले चलो समुन्द्र में। दोनों गए समुन्द्र में। वहां जाने के बाद अब मछली पूछते, मेंढक जी बताइए कितना पानी है? मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। तत्व की उपलब्धि मौन के शब्दों में होती है। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। अब ये कहानी बताई, इसका तात्पर्य क्या निकला? कि जो व्यक्ति छोटी चीजों में फंसा है वो अनंत की चिंतन कल्पना भी नहीं कर सकता। ये इसका तात्पर्य। एक सामने बुढ़ाव बैठे हुए थे, बड़े सिंसियर, काफी बूढ़े होंगे, और पूछे महाराज जी मुझे पूछना है। नॉर्मली आई डोंट एंटरटेन एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द टॉक। अब वो इतने बूढ़े थे, पूछ रहे थे, ठीक है, अच्छा क्या है बाबू जी? मुझे ये पूछना है कि वो मछली कुएं में कैसी गई? अब आप तो हंस पाओगे, मैं हंस भी नहीं पाया। मेरे जीवन के दुख के क्षण ये होते हैं, जब हंसने का मौका हो मैं हंस नहीं पाता, और दूसरा दुख का क्षण जब मेरे जोक को लोग समझते नहीं। भगवान को भी जितना दुख नहीं होता उतना ज्यादा मुझे दुख होता है। देखो, तो मैंने उनको कहा कि बाबूजी वो मछली है ना, किंग फिशर एयरलाइन से वहां चली गई। देखो तात्पर्य क्या है। इसी प्रकार से शास्त्रों में जितनी भी कहानियां बताई है वो सभी की सभी आधी दैविक कहानियां है। हम लोग आधी दैविक नहीं है, हम मरते हैं, उसी में फंसे रहेंगे। ये जितने भी सिद्ध महात्मा होते हैं ये अवतरित होते हैं, और हमको अवरोह करना है, ऊपर चढ़ना है, तो उनका सहारा ले लो और आगे चलो, उनके जैसे नाटक नहीं करना है। देखो नहीं तो उसमें फंस जाते हैं, हमारा गुरु ये, तुम्हारा गुरु ये, अरे राम 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 राम। तो ऊपर से कहेंगे गुरु साक्षात परब्रह्म, क्या समझ में आया? इसलिए ये जो तात्पर्य निर्णय आ जाएगा तब पता समझेगा। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, परमात्मा में आपका मन लग गया है तो एक ही बात होगी, आपके माध्यम से केवल आनंद ही प्रकट। तो पूरी की पूरी साधना क्या है? मौज में रहो, बी हैप्पी। फिर सब ठीक है। देखो जैसे आप देखेंगे यूएस में कई कंपनी ऐसी है कि दे प्रेफर दैट दी स्टाफ वर्क्स फ्रॉम होम। इसलिए फिर उनको ऑफिस नहीं देना पड़ता, फर्नीचर नहीं देना पड़ता, एसी का चक्कर नहीं, सबका सब घर कर रहा है, वो काम तो हो रहा है ना। इसी प्रकार से बाकी का आडंबर कोई मतलब नहीं। काम क्या है? आर यू एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस थ्रू यू आर नॉट? ये वो हम कर रहे हैं तो हम योग्य दिशा में जा रहे हैं। अब ये यदि करना है जीवन में तो आनंद को प्रकट करने के लिए, अब यहां महत्व का दूसरा विषय आता है। हमको सबको सब कुछ सिखाया है लेकिन
विचार कैसे करना, ये कभी नहीं सिखाया। ना माँ बाप सिखाते हैं, ना दादा दादी सिखाते हैं, ना स्कूल में पढ़ाते हैं, ना कॉलेज में, ना कहीं पढ़ाते हैं। हर चीज सीखनी पड़ती है, विचार करना भी सीखना पड़ता है। थिंक, हमारी क्या धारणा है, क्योंकि हमारे मन में बहुत विचार है इसीलिए हम विचारक है? नहीं, तो विचार करने की प्रक्रिया क्या है ये हमको अब सिखाते हैं। हाउ टू थिंक। भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीताम, सकृदपि येन मुरारि समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, भज गोविंदम भज गोविंदम। पहली बात, भगवद गीता किंचित अधीता, पठीता नहीं कहा, अधीता, उसका अध्ययन करें। आपने सब लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है, समय प्रियः समय प्रियः, बहुत सारी बातें बताई है। लेकिन आप आखिरी में चले जाओ, 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, ये जो तेरा मेरा संवाद है अर्जुन, इस संवाद का जो अध्ययन और अध्यापन करता है वो मेरा सबसे अति प्रिय भक्त है। और भगवद गीता क्या है, अपने जीवन की पोथी है। भगवद गीता किंचित अधीता, और वो अध्ययन करते समय इस चक्कर में मत पढ़ना, शंकराचार्य ने ये कहा, रामानुजन ने ये कहा, अरे अरे राम राम, तुमको क्या कहना है। देखो महाराज, हम आपको एक कहानी बताते हैं, आपने पढ़ी होगी, शिरडी साईं बाबा की पोथी जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा, उसमें एक अध्याय में ये विषय आता है। एक बार उनका कोई भगत था और वो उनकी सेवा करते समय अपने मुख से गीता का पाठ कर रहा था, तो उन्होंने पूछा, भाई क्या तुम फुट 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 कर रहे हो? बोले, नहीं मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ, कौन सा श्लोक है बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक या कोई तो भी है। तो बोले, इसका क्या अर्थ है? फिर उनका ये वो घोटा घोटा, आनंदगिरी में ये कहा है और शंकराचार्य ने ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है, ये कहा है। बोले, उन्होंने कहा है वो सब ठीक है, तुमको क्या कहना है। कितनी महत्व की बात है। और फिर चिंतन करो, अपना चिंतन तब होता है जब हम यह ज्ञान अपने जीवन में उतरने की प्रक्रिया खोजते हैं तब। और फिर वो बताते, देखो, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, इसके बीच में व्याकरण के नियम के अनुसार अवग्रह बैठता है, तो वहां अज्ञानम आ जाएगा। तो गुरु महाराज जो है अज्ञान का उपदेश करते हैं, ज्ञान का उपदेश नहीं होता। ज्ञान क्या है? जो तो तत्व दो शब्दों के परे है, जो तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, ज्ञान का कैसा करेंगे उपदेश। और भगवान ने भी अर्जुन को ये नहीं पूछा, अर्जुन तुमने सुना ज्ञान हो गया क्या, ये नहीं पूछा। क्या पूछा? तुम्हारा मोह नष्ट हो गया। देखो, पूरी विचार की धारा ही बदल जाती है। इसीलिए अध्यात्म में यह जो ज्ञान है अपने में उतारना है। इसकी एक दूसरी आपको बताते हैं बात, बहुत महत्व की है। एक बार एक आदमी ने, उस समय वो जवान लड़का ही था, होगा 30-35 साल का, मुझे फोन आया, बोले स्वामी जी मैं अमुक अमुक हूँ और मुझे आपसे मिलना है। मैंने, आ जाओ अभी आ जाओ। बोले, अभी तो नहीं आ सकता। बोले, कब आ सकते, तब आ जाओ। बोले, कल सुबह आ जाओ। बोले, ठीक है, कल सुबह आ जाना। बोले, अभी क्यों नहीं आ सकते? बोले, मैं अभी बॉम्बे में नहीं, मैं बेंगलोर में हूँ। फिर क्या जल्दी इतनी आने की, मैं आ जाऊँगा तब मिले। बोले, नहीं मुझे मिलना। बोले, आ जाओ। दूसरे दिन फ्लाइट लेके बॉम्बे आ गया, सत्संग में आ गया, और फिर सत्संग सुना, फिर कहता, स्वामी जी मैं अमुक अमुक हूँ और मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ,
कि आपने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया है। मैंने माफ करना क्या गड़बड़ी करी मैंने। फिर बताया मैंने आपका भजन गोविंदम का ये श्लोक सुना था, उसमें आपने बताया भगवद गीता का अध्ययन कैसा करते हैं, वैसा अध्ययन मैंने 3 साल तक किया है। बताओ मैंने क्या, मैं तो भूल जाता हूँ क्या बताया। बोले आपने बताया था रोज एक अध्याय का पाठ करो, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, तीसरे दिन तीसरा अध्याय, रोज का रोज वही घोटा नहीं, धर्मज्ञ रोज नया अध्याय पढ़ो। कोई भी काम आप मैकेनिकली करो उसमें से रस नष्ट हो जाता है। रोज का रोज वही 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 वही, फिर कंठस्थ हो जाता है। फिर वो उसमें मन वाणी पूरी लगनी चाहिए तब उसमें आनंद होता है। फिर 18 अध्याय पूरे हो गए, फिर एक से शुरू करो, ये एक बात। दूसरी बात, अब पहले अध्याय से शुरू करो, पहला श्लोक पढ़ो, उसके बाद पढ़ने के बाद उसको जो कमेंट्री है पूरी पढ़ लो, और पढ़ने के बाद पुस्तक को बंद कर दो, बढ़िया कॉपी लेकर के लिखो पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच, ध्रुव, ध्रुव कैसा लिखते, ऐसा लिखते कि शुरू हो गया गड़बड़ी, और फिर पूरा संस्कृत में लिखो, और जो आपको समझ में आया है अपने शब्दों में उसको लिखो, क्या उस श्लोक में समझ में आया। ऐसा करते करते 700 श्लोक पूरी हो जाएगी, आपकी कमेंट्री भगवत गीता पर तैयार। भगवान के लिए पब्लिश मत करना, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तब पता चलेगा कचरा है, कोई कुछ नहीं इसमें। अब सवाल ये आता है कि कौन सी कमेंट्री पढ़े, दुनिया भर की कमेंट्री है। हम आपको एक सजेस्ट करते हैं, गीता प्रेस की साधक संजीवनी टीका है राम सुखदास जी महाराज की, वो बहुत अप्रतिम कमेंट्री है, हिंदी में है। आप इस सिद्धांत से पढ़ो, देखो कितना जीवन में परिवर्तन आ जाता है। भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल लवकणिका पीता। गंगा जल लवकणिका पीता का तात्पर्य है अपने जीवन में अपने ट्रेडिशन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। जिसके मन में आदर नहीं होता वो किसी को भी प्राप्त नहीं कर सकता। देखो ये जो नमस्कार करने की बात है ना, ये बहुत महत्व की बात है। कैसी महत्व की बात है, जो नमस्कार करता है और जिसको नमस्कार किया जाता है, इसमें जो नमस्कार करने वाला है वो श्रेष्ठ होता है, जिसको नमस्कार किया जाता है वो श्रेष्ठ नहीं होता। देखो संतो, हम आपके सब दिमाग को उल्टा करके छोड़ देंगे, क्योंकि जो नमस्कार कर रहा है उसने उस स्थान में, उस व्यक्ति में कुछ श्रेष्ठता देखी है ना। जो अन्य में अच्छी बातें देखता है वो बढ़िया होता है कि जो अन्य को अपने से कनिष्ठ स्वीकार करता है वो बढ़िया होता है। देखो इसीलिए जब हम किसी को नमस्कार करते, सत्संग का या अपने आप को समर्पित करते हैं, उसका लाभ अपने को होता है। जिसको नमस्कार किया है उसको कुछ नहीं होता, वो परेशान होता है। इसीलिए गंगा जल लवकणिका पीता, हृदय में नित्य निरंतर आदर का भाव हो। जिसके भी प्रति हमारे मन में आदर होता है उस समय हमारा ही कल्याण होता है, उसका नहीं होता। देखो हम जाते हैं शिव जी के मंदिर में, उनके शिवलिंगों पर पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, फर्क अपने को पड़ता है। इसीलिए गंगा जल लवकणिका पीता, फिर सकृदपि येन मुरारि समर्चा। जब तक कि हम देहधारी है तब तक कि हमको एक मूर्ति की पूजा करना आवश्यक है, ये बहुत महत्व की बात है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भी अवाप्यते, 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन कहता है कि महाराज आपने 10वें अध्याय 11वें अध्याय में बताया है ये निर्गुण और सगुण का है, तो दोनों में श्रेष्ठ क्या है। बोले श्रेष्ठ क्या है, अपने अवकाश पहचानो। जब तक तुम अपने को देह मानते हो तब तक के भगवान को बिना देह के मानना ये असंभव है।
अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत भी अवाप्यते। जब तक हमने अपने को देह माना है, परमात्मा का स्मरण चिंतन बिना उसके विग्रह के नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे अपने आप को हम दुनिया से हटा देंगे और तत्व में लगा देंगे। ये पूजा पोथी इत्यादि करने से जीवन में नियम आते हैं, और नियम जब आ गए तो क्या होती है, पहली बात आलस खत्म हो जाता है। मनुष्य के जीवन के तीन शत्रु है, आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलस माने क्या, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसो, परसो भी क्या करना, जीना है बरसो। आलसी आदमी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। निद्रा, निद्रा माने दो प्रकार की निद्रा होती है। एक जो निद्रा है, नींद खुल जाती है लेकिन बिस्तर से बाहर नहीं आते। मंत्र आता है शास्त्रों में, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्यबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पतस्तत कवयो वदन्ति। वहां क्या कहा, पहले उठो फिर जगो। क्या होना चाहिए था, पहले जगो फिर उठो। शास्त्रों को पता था हम जग तो जाते उठते नहीं। ये जो समय होता है ना, नींद खत्म हो गई और बिस्तर पर अपने लेटे रहे और नहीं निकले बिस्तर से, ये बीच में का जो लैग पीरियड होता है, उसमें हमारी जितनी भी शक्ति हमने गहरी नींद में परमात्मा से प्राप्त करी है वो सब नष्ट हो जाती है। फिर लेजी होकर के सुबह आ गए, ओके, व्हेन यू बिगिन योर डे इन एन इंस्पायर्ड मोड लाइफ इज ब्यूटीफुल। सुबह उठ कर गए, यार फिर मंडे क्यों आता है यार? Such people cannot achieve fulfillment in life. इसीलिए चक्रदपि येन मुरारी समचा क्रियते तस्य यमेन अनुचर्चा। फिर उसके जीवन में मृत्यु का कभी भी विषय आता नहीं। ध्यान से सुनना, यदि आपने वेदांत का श्रवण किया है तो किसी के भी मृत्यु की खबर सुनने के बाद अपने मृत्यु की कल्पना भी मन में क्षण भर के लिए आ जाए तो आज तक जितना पढ़ा है सब गंगा जी में चला है। मृत्यु असंभव है, किसी को मृत्यु नहीं होता। देखो बचपन में कोई ना कोई बात हो जाती है, जैसे कहीं हाथ जल गया या कोई आकर के किसी कॉकरोच आ गया या कोई सांप आ गया, तो उसके कारण दुख हुआ था तो सांप का डर लगता है, क्योंकि पहले अनुभव था, अनुभव के कारण ही डर लगता है। अब हमको मरने का अनुभव है क्या, तो क्यों डर लगता है? एक ही कारण, हम देखते हैं बाकी के देह मरते हैं और इसीलिए मैं भी मरूंगा क्योंकि मैं ही देह। और फिर मरने के बाद फिर क्या, कहां जाएंगे, स्वर्ग में कि नरक में? महाराज मर के दिखाओ। एक ग्रंथ है सनत सुजातीय, बहुत अप्रतिम ग्रंथ है। उसमें गुरु है सनत कुमार जी महाराज और शिष्य है धृतराष्ट्र, और उसमें ये पूरा पक्का बताया है मृत्यु असंभव है। देह जब मरता है तो क्या हुआ, ये पंचमहाभूत में लीन हो गए। तो कौन मरा? देह मरने के बाद जीव निकल जाता है, कहां जाता है, दूसरे देह में। माने वो कब मरा? तो ना देह मरता है ना जीव मरता है, परमात्मा के मरने का सवाल ही नहीं। और फिर भी वही कहानी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अरे कोई नहीं मरता यार, मरने को भूल जाओ। तब जा करके धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और तब ये वेदांत के सिद्धांत हृदय में उतरेंगे। तो क्रियते तस्य यमेन अनुचर्चा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम।
अब ये भगवत गीता पढ़ते पढ़ते क्या होना चाहिए, अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। फिर क्या होगा, एक ही बात होगी कि अब हमारे हृदय से सब कुछ हट जाएगा और परमात्मा वहां अपना अधिष्ठान बना लेगा। जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं, उनके प्रारंभिक अभंग देखो, दुनिया को लेकर के दुखी है, ये है वो है, और जैसे उनको अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो गई, उनका जो अभंग है, अनुरडिया एवडा तुका झाला आकाशा एवडा, कब, जब ये त्रिपुटी खत्म हो गई तब। उसके बाद उनके अभंग देखो क्या लिखा है, कहते हैं भगवान को, भगवान हमको आप फिर जन्म डालने में डराते हो क्या, सुखे घाला वे अम्मासी, और जन्म दे देना, हु केयर्स। ये है आनंद की पराकाष्ठा, डर डर के जीना, ये कोई जीना है। इसीलिए पुनर्पि जननम पुनर्पि मरण का तात्पर्य क्या है, ध्यान से सुनना। एक मूवी हमने देखी बहुत पुरानी, RIPD, रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट, हॉलीवुड की मूवी है, मसाला सब है उसमें, उसके सिद्धांत समझ लो आप। हमने शायद बताया, पता नहीं आपको कहानी, दो पुलिस ऑफिसर एक बड़ी बिल्डिंग पे जाते किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, दोनों का झगड़ा होता है, एक दूसरे को फाट से मार देते हैं पिस्तौल से, वो नीचे गिरा, 40 मंजिली बिल्डिंग से जमीन पे गिरा, धड़ाम से, जैसे वो गिरा उठ के चलने लग जाता है, और चारों तरफ जहां भी पूरा था एकदम पूरी की पूरी फ्रेम फ्रीज हो जाती है, स्टिल हो गए, फिर पूरा सिनेमा चलता है, फिर वो उसको ऐसी पोजीशन मिल जाती है मरने के बाद, वो अच्छा है, इसीलिए वो किसी को, वो उसको कोई देख नहीं सकता, वो सबको देख सकते हैं, और सबका काम कर रहा है वो, गैब्रियल का, चित्रगुप्त का काम, और फिर देखता है उसकी पत्नी रो रही है, उसके देह को दफनाया जा रहा है, और लगा करके वहाँ प्रेयर हो गई, और सब देख रहा है, फिर उसकी पत्नी जो थी वो किसी से शादी कर लेती है, वहाँ रहती है, फिर एक बार वो अपने पति के साथ आ रही थी, फिर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और फिर वो जो गाड़ी है उसकी कार हवा में उड़ गई, चारों तरफ सब टूट गया, और ये उसमें से निकल आती, वो भी नहीं मरी, और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हाथ में हाथ लगा कर यहीं चले गए, सिनेमा खत्म। तो जब ये हुआ तो मेरे फ्रेंड ने कहा, स्वामी जी आपको समझ में आया, क्या बताया, हमने कहा वेदांत की मूवी थी, इसमें क्या वेदांत है, वेदांत ये है, यहाँ आने के पहले मैं बम्बई में था, बम्बई के पहले मैं बड़ौदा में था, बड़ौदा के पहले मैं गोवा में था, तो जब मैंने गोवा छोड़ा मेरे लिए गोवा मर गया, मैं जो कहते हूँ, फिर मैं बड़ौदा में पैदा हो गया, बड़ौदा छोड़ा बड़ौदा मर गया, मैं जो कहते हूँ, फिर मैं आया आपके दुबई में, अब यहाँ से मैं चला जाऊंगा 6 तारीख को, दुबई मर गई, मैं जो कहते हूँ, कौन मरता है, बचपन मर गया हम जो कहते हूँ, जवानी मर गई हम जो कहते हो, मिडिल एज मर गया हम जो कहते हो, बुढ़ापा मर जाएगा, आप नहीं मरोगे, देखो महाराज मुझे बता और क्या जानना चाहेंगे हम, इसी चक्कर में दे, सोमवार के दिन ये उपवास, मंगल के दिन वो उपवास, बुधवार के दिन वो, फिर दिन भर खाना नहीं खाना, और चीज चीज करते रहना, डट के खाओ, मौज में रहो। देखो अध्यात्म का तात्पर्य एक ही है, हम हृदयस्थ आनंद को प्रकट होने दे, हमारे सबके हृदय भी परमात्मा है, उसको प्रकट होने दो। यही आध्यात्मिक साधना है, इसीलिए यह
सिद्धांत तो हमको जीवन में उतारना है। रत्या चरपट विरचित कंथ पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ योगी योग नियोजित चित्त रमते बालोन्मत्तवदेव भज गोविंदम भज गोविंदम। रत्या चरपट विरचित कंथ, गिव योर सेल्फ मिनिमम चॉइस। अब इसके शब्दशः अर्थ लेके तो भयानक होगा। शब्द रत्या चरपट माने आपको कहीं भी टूटे फूटे फटे कपड़े मिलेंगे तो उसको सिला करके उसका एक बढ़िया रजाई बनाओ, ये इसका अर्थ नहीं है। ये केवल बोलने की भाषा है। देखो, गिव योर सेल्फ मिनिमम चॉइस, डिस्कवर हैप्पीनेस इन व्हाट एवर यू हैव विथ। तो ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जो है ठीक है। एक हमारा सिद्धांत आपको बताते हैं, हम जहां भी जाते हैं हमको ऊपर की गिनती नहीं आती, 1 2 3 4 5 6 7 उसका कोई अंत ही नहीं है, हम उल्टी गिनती करते हैं। जैसे आपके दुबई में आ गए, 7 6 5 4 3 2 अब एक दिन बाकी है कल का, फिर बूम, अब मुझे मालूम है मुझे यहाँ से जाना है, कहा ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर। यही हमारे सबकी कहानी है संतो। और इसी के कारण लोग खुश होते हैं हमसे। जब हम पहले दिन आए थे तो महेश खुश था, दूसरा दिन हो गया थोड़ा बढ़ गया खुशी, तीसरा दिन और बढ़ गया, जैसे जैसे हमारे जाने का दिन नजदीक आता है उनकी खुशी बढ़ जाती है। 6 तारीख को बूम स्वामी गए। इस सिद्धांत को जेल में उतारो, देखो कितना आनंद आता है। तो पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथा, दूसरी बात ये पुण्य कर्म पाप कर्म इसमें से निकल जाओ, कर्म को समझो, फिर आप पुण्य पाप के परे चले जाएंगे। क्रिया के साथ जब कर्तृत्वाभिमान जुड़ता है तब कर्म का जन्म होता है। भगवान जब कहते दूसरे अध्याय में कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूहु। कर्म फल हेतु का तात्पर्य है कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर दो। हमारा वही, हमने ये किया, हमने वो किया, अरे मारो गोली सब चीजों को, हो रहा है सब कुछ। इससे निकलने के लिए एक बड़े संत हो गए बम्बई में, निसर्गदत्त महाराज, उनका ये थॉट हमको बहुत अच्छा लगता है। वो कहते थे यूज पैसिव वॉइस व्हेन यू टॉक, कर्मणि प्रयोग का प्रयोग करें। दो प्रयोग होते, कर्तरी प्रयोग कर्मणि प्रयोग, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, मैंने ये किया, मैंने ये काम किया। पैसिव वॉइस क्या है, अरे यार ये काम हो गया, किसने किया ये महत्व का नहीं। तो हमारे जीवन में हम महत्व किसको देते हैं, मैं को दे रहे हैं कि कर्म को दे रहे हैं। तो जिस क्रिया के साथ मैं जुड़ जाता है वो कर्म है और वहीं से कर्म फल का निर्माण होता है। इसीलिए जब कहते हैं यद यद कर्म करोमि तत् तद अखिलम चंभो तव आराधना, तो जो हम करते हैं परमात्मा की पूजा के रूप में करेंगे तो धीरे धीरे अपना मैं खत्म हो जाएगा। देखो व्यक्ति को उसका भी अभिमान होता है, मैं पूजा करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, सब कुछ हो रहा है और जो हम करते हैं वो हमारी आवश्यकता, किसी की आवश्यकता नहीं दुनिया में। हम जब नहीं थे दुनिया में कोई कमी नहीं थी, हम जब चले जाएंगे कोई कमी नहीं होगी, गारंटी देते हैं। जब हम है तो कौन सी तीर मार रहे हैं, कितना अभिमान होता है, मैं ये करता हूं मैं वो करता हूं, और फिर सुख दुख का निर्माण हो गया। इसीलिए पुण्य अपुण्य विवर्जित पंथा ऐसे रहे कि जिसमें पाप पुण्य दोनों का निर्माण न हो, माने कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर दे। देखो आगे कहते हैं कि योगी योग नियोत चित्त। अब ये तीसरी महत्व की बात साधना की दृष्टि से, साधना माने क्या, साधक का जन्म कब होता है, जब हम अपने
मन पर काम करना शुरू करते हैं, उसी दिन हमारा नया जन्म हो गया, उसी दिन एक साधक का जन्म हो जाता है। देखो इसको ऐसा समझो, हम लोग शरीर से काम लेते हैं और शरीर पर काम करते हैं। वी वर्क बाय द बॉडी, वी वर्क ऑन द बॉडी। शरीर से क्या काम करते हैं, अपना रोटी पानी कमाने के लिए ऑफिस में जाएंगे, धंधा करेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि रोटी पानी मिलेंगे, ये शरीर से काम हो गया। शरीर पर काम करना, वर्किंग ऑन द बॉडी, वी डू योगा, वी गो फॉर ए वॉक, वी डू एक्सरसाइज, दैट वी डोंट डू टू अर्न मनी। एग्जैक्टली द सेम वे हम मन से भी, मन से काम लेते हैं लेकिन मन पर काम नहीं करते। मन से क्या काम है, मन से काम यह है, नंबर एक लोगों का इवैल्यूएशन करना, कौन कैसा है क्या है, दूसरी बात हर एक को उपदेश करना, तीसरी बात हर एक का सजेशन देना, चौथी बात हर एक के बारे में जानना, कौन है, कहां से आए, क्यों पैदा हुए, कब पैदा हुए, मरते क्यों नहीं, क्या है जरूरत है। बट दीज आर ऑल डिफॉल्ट सेटिंग्स। देखो मन से काम करना माने अपनी ये जो पुरानी आदतें है हर एक के जीवन में पीप करना, कौन है, कहां से आए, कोई जरूरत नहीं जानने की। देखो जातन पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। इन हर जगह जाकर के वही आदमी फंस जाता है। दिस इज वर्किंग बाय द माइंड। किसी के भी बारे में कुछ भी जानने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी साधना है। आप दूसरी बात आते, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन द माइंड। अब मन पर काम करना है माने क्या करना है, केवल हम आपको दो बातें बताते हैं, बताई है फिर बताते हैं, मुझे बताते बताते शर्म नहीं आएगी, एक आध बार तो क्लिक हो जाएगा। पहली बात, किसी भी अन्य के साथ किसी भी विषय पर बोलने के पहले अपने आप को प्रश्न पूछ लो, क्या ये बोलना जरूरी है। बिना किसी प्रयत्न से आप अपने आप शांत रहोगे। अब बोलना ही है तो सबसे बढ़िया, अरे आज हवा ज्यादा ही चल रही है, ठंड बढ़ रहा क्या, ऐसे विषयों से पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता। एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात अपने आप से बोलना बंद करो। अब दोनों को समझ लो, जब हम अन्य के साथ बात करते हैं या तो अपने भूत की बात करेंगे या उसके भूत की बात करेंगे, भूत लगा है। और जब अपने आप से बात करेंगे तो अपने भविष्य की बात करेंगे। यहां से जाएंगे सर जाते समय ये होगा, अरे जाते थे मैं वो लिया ही नहीं, जाते थे शॉप से खरीद लेंगे। यहाँ क्या चल रहा है, सत्संग, और दिमाग में क्या चल रहा है, प्याज काटो। दो चीजों को रोक लो, ये जो योगी लोग कहते हैं ना, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कभी किसी योगी को पूछ लो है क्या असल में, कसम खा के गो, अपने नहीं उनकी कसम खाओ, हुआ है कभी किसी का योग चित्तवृत्ति निरोध, किसी का नहीं हुआ है, क्योंकि मूल पता नहीं। मूल क्या है, मन की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है, शब्दों को अर्थ प्रदान किए जाते हैं और अर्थयुक्त शब्दों को इकट्ठा किया जाता है तो वाक्य होता है और उस वाक्य से ज्ञान निर्माण होता है। इस शब्द का ही प्रयोग ना करो तो अब विचार करके देखो, हमने इस योग का नाम रखा है, इसका नाम हमने रखा, काफी योग आसन है ना, उष्ट्रासन, उसके बाद गर्दभासन, मार्जारासन, भुजंगासन, सभी एनिमल आसन है, हमने इसका एक नाम रख दिया है, कौन सा, कमोडासन। कमोडासन, हाँ जी, जहां आप कमोड पर बैठे एकदम नियम ले लो,
जब तक के काम पूरा नहीं होता तब तक विचार नहीं करेंगे, माने तब तक अपने आप से बात नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहो। धीरे धीरे यू कैन नॉट से पीपल वर डिस्टर्बिंग मी, नोबडी डिस्टर्ब यू देयर। ट्राई करके देखो, अपने आप से मत बोलो। अब दोनों को इकट्ठा कर लो तो क्या होगा, जब अपने भूतकाल की बात नहीं करते तो भूत में नहीं जाते, चिंता नहीं करते अपने आप से नहीं बोलते तो भविष्य में नहीं जाते। भूत भविष्य के दोनों दरवाजे बंद कर दिए तो आप कहाँ हो गए, वर्तमान में। अब ध्यान से सुनना, वर्तमान में रहना ये स्वाभाविक है, भूत भविष्य में जाना ये एबनॉर्मलिटी। वर्तमान में रहने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, भूत भविष्य में जाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। हम आपको पूछे समझो कि 244 दिन के पहले आप दोपहर को 3:30 बजे क्या कर रहे थे, गणित करते रहो, 244 दिन के हो गए ना परेशान। और यदि केवल अभी की बात, हम अब यहां है और इस समय है और ये है श्रोता है, हो गया। योगी योग नियोजित चित्त, नहीं तो इसी में आदमी लगा रहता है, प्राणायाम करो, जप करो, वो करो, वो करो, मन में और विक्षेप होते हैं। देखो आप प्राणायाम भी यदि कर रहे हो केवल ब्रीदिंग, और वो ब्रीदिंग करो मत, प्राणायाम करते जब ब्रीदिंग करते वहां मय निर्माण होता है, इसीलिए प्राणायाम करके आदमी थक जाता है, ब्रीदिंग करके कभी थकता नहीं। कितनी बार करते प्राणायाम, 50, 100, 200, 1000 बार करो। ब्रीदिंग कितनी बार करते हैं, 21,600 बार ब्रीदिंग करते पर डे। कभी किसी ने कहा है, यार मैं ब्रीदिंग थक गया हूं, आज नहीं ब्रीदिंग करूंगा। कारण क्या है, हम करते नहीं, ब्रीदिंग हो रहा है, इसीलिए हमने आपको बताया वो ब्रीदिंग क्रिया है, उस क्रिया के साथ मन को जोड़ लो। तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति जब एक हो जाती है उसी को चैतन्य कहते हैं। जैसे हमारे एक हथेली से दो उंगलियां निकली है, कोई भी दो लाइनें जब एक बिंदु से निकलती है तो दे कैनॉट बी पैरेलल, वहां कोई ना कोई एंगल होगा। और जैसे जैसे ज्ञान शक्ति मन, क्रिया शक्ति ब्रीदिंग, ये जब इनका अंतर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये मूल से दूर चले गए, और जैसे इनका अंतर कम होगा तो ये मूल के पास आ गए। और यदि परमात्मा का नाम ज्ञान शक्ति, ब्रीदिंग क्रिया शक्ति, ये दोनों 100% एक हो जाए तो अपने आप हट जाते हो और केवल चैतन्य का स्पंद चल रहा है। आपका शरीर, आपके प्राण, आपका मन बिना प्रयत्न से शांत हो गया क्योंकि आप गायब हो गए। इस समय मन चैतन्य में लीन हो जाता है, गहरी नींद में मन प्रकृति में लीन होता है। इसको कहते हैं योगी योग नियोजित चित्तः। इस योग को हमको करना है और फिर इस चक्कर से निकल जाओ। जैसे सब जगह कहते योगा फॉर हेल्थ,
हेल्थ इज ए बाय प्रोडक्ट, स्वास्थ्य जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो हम गाय रखते हैं किस लिए रखते हैं, गोबर के लिए कि दूध के लिए? दूध के लिए रखते हैं, गोबर फ्री में आ जाता है। इसी प्रकार से योग शास्त्र अध्यात्म के लिए है, स्वास्थ्य बाय प्रोडक्ट है। ये पहले दिमाग में ठोके बताया जाता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, फिर पूरा जीवन इस शरीर को ही मेंटेन करने में गया है। ये खाना नहीं, वो खाना नहीं, ऐसी फिगर होनी, इतना वजन होना चाहिए। अरे राम 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 राम। इसीलिए ये जो योग साधना है, ये योग साधना हमको अपने स्वरूप में वापस ले आती है। इसको कहते हैं योगी योग नियोजित चित्ता। फिर रमते बालोन्मत तव वेद, तब ऐसा जो साधक है वो रमते मस्त रहता है। कैसे? बालवत, छोटे बालक के जैसा। कोई भी बच्चा कुछ प्रूव नहीं करना चाहता, इज एंजॉयिंग। देखो, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम में से जो बालक है उसको हम मार डालते हैं। अपने में जो बालक है उसको मारो मत, बालक को जिंदा रहने दो। एंड हु इज अ चाइल्ड? He who is happy in silly things. और बूढ़े का व्यक्ति का लक्षण क्या है? कुछ भी हो जाए, हाँ तो क्या हो गया। To keep this child alive, learn something new in life. कुछ भी सीखना शुरू करो। हमारे बम्बई की बात है, ये जब हो गया तो हमारे एक सज्जन हमको कहते, स्वामी जी पिछले बार आपने कहा था ना, ये बात मुझे बहुत जची कि बुढ़ापे से बुढ़ापे को हटाना है तो कुछ सीखना चाहिए। तो मैंने सीखना शुरू किया, मैंने बहुत बढ़िया। बोले मालूम है क्या सीखना है? मैंने, मुझे जरूरत भी नहीं, आप सीखो, अच्छी बात है, सुखी हो सुखी रहो। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ। फिर बताओ मैं क्या भाग रहा हूँ? फिर कहते हैं मैंने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया। सिंधी हो और संस्कृत सीख रहा हो, इसको कहते अशक्य अनुष्ठान। तो मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है। बोले मालूम है मैंने सिंधी क्यों सीखना शुरू कर दिया? तो मुझे मालूम नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं करो, अच्छी बात है। नहीं मैं बताना चाहता हूँ। फिर बताओ। बोले मैंने सुना है कि स्वर्ग में जाने के बाद वहां लोग संस्कृत में बोलते हैं, इसीलिए मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ। हमने कहा यू आर पक्का सिंधी। फिर मैंने कहा देखो यू मस्ट हैव ऑलवेज अ प्लान बी, समझो आप नहीं जाओगे नरक में, समझो नरक में गए तो। बोले सिंधी मुझे आती है। यह आनंद है जीवन का। इस समय जब आप बिल्कुल दिल खोल के हंसे, ये है परमात्मा का अनुभव। उस समय आप स्त्री नहीं थे, पुरुष नहीं थे, जवान नहीं थे, बूढ़े नहीं थे, इंडिया में नहीं थे और दुबई में नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ नहीं थे, आप केवल आनंद थे। देखो व्यक्ति केवल वर्तमान में ही खुश रह सकता है। दूसरी दृष्टि से जब खुश रहता है तब वर्तमान में ही होता है। कई जगह देखो आप अध्यात्म के नाम पर ऐसा मुंह फुलाए बैठते, शांति रखो शांति रखो। शांति अशांति ठीक है, फिर सुने ना सुने ठीक है, आपको तो बोलने को मिल रहा है, ठोको। देखो महाराज इतना डिस्टर्ब हो जाते छोटी छोटी चीज पर, वी हैव टू बी डिस्टर्बेंस प्रूफ, तब जाकर के ये तत्व समझ में हृदय में उतरता है। रमते बालोन मत तव देव,
और मत्त आदमी कैसा होता है देखेंगे आप। कोई भी पागल आदमी बीमार नहीं होता, और जो नॉर्मल होते हमारे दृष्टि से हमेशा बीमार होते हैं। पेन हियर पेन देयर पेन पेन एवरीवेयर, कभी देखा आपने ये पागल जो होते हैं ना, कहीं भी रास्ते का कोई उठा के खा लेंगे, उनको वो वायरस भी नहीं टच करता, वायरस ये पागल इसको मार रहा है। देखो महाराज, ये जो आनंद है ना, ये है ब्रह्मानंद। नहीं तो हमेशा चिक 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 चल रही है, कौन कैसा है, किसने क्या रहे, मारो गोली दुनिया को, आप मौज में रहो। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। नहीं तो हमेशा चिंता करना, पता नहीं दुनिया का क्या, पता नहीं तो रेस्ट करो, एंजॉय लाइफ। इसके बाद कहते हैं कस्त्वम कोहम कुतमायातः कामे जननी कोमेतातः इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। आगे कहते हैं कि देखो महाराज, अब इसके बाद चिंतन करो, चिंता नहीं, चिंतन और चिंता का फर्क समझ लो। हमारी जो साधना है ना, उसमें एक बड़ा महत्व का अंग है, वो है हम अपने कपड़ों की स्त्री स्वयं करते हैं, हम अपने कपड़े स्वयं धोते हैं। ये कौन सी साधना है, सुबह उठ करके उठे, अपना मॉर्निंग एबीसीडी खत्म कर लिया, नहाने के पहले कपड़े धोए, अपने आप आलस चला जाता है, मशीन में नहीं, हम हाथ से धोते हैं। फिर आलस चला गया, नहा लिए, और नहाने के बाद कपड़े फिर सुखाने को डाल दिए, दोपहर को जब खाना पीना हो गया, रेस्ट हो गई, तब तक कपड़े सूख जाते, फिर हम इस्त्री करने को लेते। इस्त्री करते समय हमको परमात्मा का दर्शन हो गया। कैसे, लुंगी को सीधा रखो, उसमें कितनी सलवटें हैं, तो उसका सौंदर्य ढक जाता है सलवटों के नीचे। इसके ऊपर इस्त्री घुमाओ, आपको मालूम है ना, यूपी में 100 के पहले ई लगाने की प्रथा है, स्टाइल स्टाइल, स्पीक स्पीक, स्माइल स्माइल, इसी प्रकार से स्त्री गर्व होती है ना, उसके ऊपर में स्त्री घुमाओ, स्त्री घुमाओ, तो ये जो सलवटे है कहाँ गई, देखो तो सलवटे नाम की कोई वस्तु थी क्या, तो जो नहीं थी वो हमको परेशान कर रही थी। इसी प्रकार से अपने मन में राग द्वेष ये सलवटों के जैसा है, इसका कोई मायना नहीं है। अच्छा, वो निकल गया, तो ये लुंगी का कपड़े का सौंदर्य है बाहर निकल आया। अब फिर हम उसको तय लगा के रख देते, जैसे ये शर्ट है हमारे, इसको हमने प्रेस किया और फिर सब सलवटे निकल गई। अब ये क्रीज जो है, ये क्रीज भी सलवटी तो है, इन क्या फर्क है, ये एक दिशा में जा रही है। तो जो पहली सलवटे थी वो चिंता थी, और ये एक दिशा में जाने वाली क्रीज ये है चिंतन। जिन विचारों के कारण हम अपने ही विचारों में उलझते हैं उसको चिंता कहते हैं, और जिन विचारों के कारण हम अपने विचारों से सुलझ जाते हैं उसको चिंतन कहते हैं। हम लोग चिंता करने के एक्सपर्ट हो गए, चिंतामणि लोग, कितने चिंता, क्या होगा, कि चिक 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 चिक, तो क्या करें, ये बताते हैं कस्त्वम कोहम कुतमायातः, चिंता के जगह में चिंतन करो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, कौन माँ है, कौन पिताजी है, इति परिभाव है सर्वमसार। हमारे भागवत महापुराण में एक कथा आती है जिसको कहते जीव गीता। एक राजा था, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसको 100 रानियां थी, फिर भी बच्चा नहीं हुआ। तो जगत में लोग दो कारण से दुखी होते हैं, होने के कारण दुखी, नहीं होने के कारण दुखी। जिनको बच्चे नहीं होते वो दुखी है, जिनको है वो सुपर दुखी है। अब भगवान करेगा क्या,
तो इसको बच्चा नहीं था तो दुखी था। फिर एक बाबा जी के पास चला गया, बाबा जी हमको बच्चा चाहिए। बाबा जी ने कहा ये जन्म छोड़ो, 7 जन्म में बच्चा नहीं मिलेगा तुमको। बोले मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। तो ठीक है, आम फर खा दे लो अपनी सबसे छोटी रानी को और बच्चा हो जाएगा। बच्चा हो गया। जब उसको बच्चा हो गया, बाकी कोई 99 रानियां थी वो चुप बैठेगी? जितनी स्त्री स्त्री का दुश्मन होती है उतना स्त्री पुरुष का दुश्मन नहीं होती। फिर उसकी जो आया थी काम करने वो भी स्त्री, तो ये 99 का एक ग्रुप बन गया। और उन्होंने उस आया को बताया तो हम तुमको इतना करोड़ देंगे, इसको जहर पिला दो बच्चे को। पिला दिया, बच्चे को मार दिया। नाटक करने के लिए सब तो रो रहा धो रहा। और जो बच्चे की माँ और राजा बड़े दुखी हो रहे, उतने में हिंदी सिनेमा टन 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 नारद जी आ गए और वो ऋषि आ गए जिनके आशीर्वाद से बच्चा हो गया। और फिर ऋषि कहते देखो राजन, तुमको बताया था ना मैं, पहले तुम पुत्र नहीं है इसलिए दुखी हो रहे थे, अब पुत्र के कारण दुखी हो रहे हो। बोले मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को जलाओ। तो नारद जी कहते ठीक है मैं करता हूँ। फिर वो अपने योग शक्ति से बच्चे को बुला लेते, जीव को बुला लेते और जीव को कहते जीव देखो तुम्हारे माता पिता कितने दुखी है, देह में प्रवेश करो और बड़े अच्छे रहो यहाँ। जीव कहता कौन से माता पिता, जैसे हर विंटर में हम नए पेयर ऑफ सॉक्स खरीदते हैं, इसी प्रकार से हर जन्म में मुझे नया पेयर ऑफ पेरेंट्स मिला है, किसके लिए दुखी हो जाऊं मैं? यदि मैं माँ बाप के लिए दुखी हूं तो जिंदगी में सुखी हो ही नहीं सकता। वो दुखी है तो उनको होने तो मैं क्या कर सकता हूं। जब ये बात वो राजा सुनता है उस जीव की, तब उसके दिमाग में प्रकाश पड़ता है कि कामे जननी को मेहता तहा। देखो महाराज, आपको एक सिद्धांत बताए, चिल्ड्रन आर बॉर्न थ्रू अस, दे आर नॉट बॉर्न टू अस। यहां कई लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद के रखी है किराए पर चढ़ाने के लिए। प्रॉपर्टी आपकी है, जो किराएदार है उस पर आपका क्या अधिकार है? वो चाहे दूध पिए, चाहे मदिरा पिए, चाहे घास खाए, चाहे मांस खाए, आपका क्या अधिकार है? इसी प्रकार से आपने बच्चों को देह दिया है, देह में रहने वाला जो है वो माँ बाप निर्माण नहीं करते। तो एक ही माँ बाप के 4 बच्चे, पहला बड़ा ज्ञानी है, शांत है, पवित्र है, वैरागी है, दूसरा पॉलिटिशियन है, तीसरा दुकानदार है, चौथा गवर्नमेंट सर्वेंट है। चारों एक ही माँ बाप से निकले, शरीर वाइज वो सब ऐसे एक जैसे दिखेंगे लेकिन उनका जीवन भिन्न है। तो करें क्या, इस समझदारी से जिए। देखो महाराज, इसको कहते चिंतन। कस्त्वं कोऽहं कुतमायातः कामे जननी को मेताता इति परिभावय सर्वं असारम्। देखो महाराज, फिर और थोड़ा चिंतन करते रहो तो पता चलेगा हमको किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं है। फिर ये क्यों बताते हैं शास्त्रों में? इसलिए बताते हैं कि हम सभी के सभी अपने जीवन के दुख का कारण अन्य को बताने में एक्सपर्ट है। मैं यदि पति हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, मैं यदि माँ हूं तो मेरे दुख का कारण मेरे बच्चे, मैं यदि बहू हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी सास। तो हमारा फिर प्रयोग आध्यात्मिक साधना क्या होगी? दूसरे को सुधारना। तो पति चाहेगा पत्नी को सुधारने के लिए, माँ चाहेगी बच्चों को सुधारने के लिए, ये कभी नहीं होगा। तो फिर इस सिद्धांत को समझ लो, हमारे जीवन में हमारे दुख का कारण हम स्वयं है। लेकिन मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, इस जन्म में नहीं बाबा, लास्ट जन्म में किया होगा, मुझे याद नहीं, वो दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो फिर क्या, तुम्हारे
बुरे कर्मों के कारण इस जन्म में तुमको दुख हो रहा है, तो फिर अगले जन्म में सुखी रहना है तो इस जन्म में अच्छे कर्म करो। हमने सीखा क्या? इस देह के निर्मिति के पहले हम थे, इस देह में हम है, देह मर के जल जाएगा फिर भी हम रहेंगे, तो मरे कब? ये तात्पर्य है ये पुनर्जन्म के सिद्धांत का, ये तात्पर्य है कर्मकांड का, ये तात्पर्य है स्वर्ग नरक का। देखो महाराज, जितना भी धंधा है ना आध्यात्म के नाम पर, धंधा गायब। तत्त्वम चिंतय तदिह भ्रातः। अरे भैया, इस तत्व का चिंतन करो। ऐसा धीरे 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 व्यक्ति के जीवन की विचारधारा जो अभी बहिर्मुखी है, जब वो अंतर्मुखी हो जाती है, धारा का उल्टा क्या हो जाएगा? राधा, वही राधा रानी हृदय में आ गई है। और जैसे हम इस अंतर्मुखता से विचार करना शुरू करेंगे, रहेंगे इस जगत में लेकिन अपना ध्यान कहीं और होगा। जैसे बैठे हैं सत्संग में लेकिन ध्यान कहीं और है, उसी प्रकार से रहेंगे जगत में लेकिन ध्यान होगा प्रभु के पास। तत्त्वम चिंतय तदिह भ्रातः। और बाकी के जो श्लोक है वो सभी के सभी कल शाम के सत्संग में पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।